सात पूंछ का चूहा। एक था चूहा, उस चूहे की सात पूंछें थी। सब उसे चिढ़ाते हैं, सात पूंछ का चूहा, सात पूंछ का चूहा। तंग आकर चूहा गया नाई के पास। उसने नाई से कहा, हे नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। नाई ने एक पूंछ काट दी। अब उसके पास बचे सिर्फ छह पूंछें। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, सब उसे चिढ़ाने लगे, छह पूंछ का चूहा, छह पूंछ का चूहा। चूहा फिर से तंग आ गया, वह गया नाई के पास। उसने कहा, हे नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ पांच पूंछें। पर अगले दिन सब उसे फिर से चढ़ाने लगे, पांच पूंछ का चूहा, पांच पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास, हे नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ चार पूंछें। पर सब उसे फिर से चढ़ाने लगे, चार पूंछ का चूहा, चार पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास, नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ तीन पूंछें। पर सब उसे चढ़ाते, तीन पूंछ का चूहा, तीन पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास, नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची दो ही पूंछें। पर सब उसे चढ़ाते, दो पूंछ का चूहा, दो पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास, नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब वह एक पूंछ का चूहा हो गया। पर सब उसे चढ़ाते, एक पूंछ का चूहा, एक पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास, नाई ने आखिरी पूंछ भी काट दी। अब पूंछ ही नहीं बची। लेकिन फिर भी सब चूहे को चढ़ाते, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। इस चित्र के बारे में बच्चों से बातचीत करें और उन्हें बताएं कि यह चित्र उड़ीसा की पट्टचित्र शैली में बना है। क्या होता अगर चूहे ने बेकार ही सात पूंछें कटवा ली? सोचो तो, सात पूंछों से वह कितना सारा काम कर लेता। बताओ ये क्या क्या कर पाते। अगर हाथी के पास चार सूंड होती तो, बंदर की तीन पूंछ होती तो, ऊंट की गर्दन खूब खूब लंबी होती तो, दूसरों की बातों में ना आकर चूहा अपने दिमाग से काम लेता तो। बिना पूंछ के अब क्या होगा? रंग बिरंगे कागज के टुकड़े करके चूहे के चित्र में चिपका। चूहा बिना पूंछ के क्या नहीं कर पाएगा? अरे, किताब पूरी हो गई, वर्णमाला औ आ ई ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ध ध ण अङ ढङ्ग त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह श त्र ज्ञ श्र। पुराने बच्चे इसे आगे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।